नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूं और ये टॉपिक है कि एक बंदे को किसी कोऑर्डिनेटर ने उसको चीट किया, किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के नाम पे और बड़े कास्टिंग डायरेक्टर के नाम पे उसके काफ़ी सारे पैसे उससे ले लिए और उसे कोई काम भी नहीं मिला। इस तरीके के लोग बहुत हैं और इसी बारे में मैं आज आपसे बात करने आया हूँ। लेकिन उसके पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो क्या है मुद्दा, वो उस मुद्दे पे हम बात करते हैं कि एक बंदा जिसे एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने उसे चीट किया एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के नाम पे कि ये फला फला शो आ रहा है, इसमें आपको काम मिल जाएगा। पहले तो उस बंदे से 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पे ले लिए और बाद में उसे काम दिलाने के नाम पे कि बड़ा रोल है आपका, आपका ट्रैक इतने 6 महीने या साल भर चलेगा ऐसे, और आप को उसमें हम काम दिलाएंगे, हम आपसे इतने पैसे डिमांड करते हैं। इस तरीके से उस बेचारे से करीब 19,000-20,000 रुपये उसने वसूल कर लिए। अच्छा, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अगर आप नए हैं, आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, हर मोड़ पे मिलेंगे, हर कदम पे मिलेंगे, जो आपको काम दिलाने के नाम पे आपसे पैसे मांगेंगे कि आप मुझे पैसे दीजिए और मैं आपको काम दिला दूंगा। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे। तो वो बंदा भी उनके चक्कर में आ गया और उसने पैसे दे दिए। अब होता क्या है कि एक एक्टर, जो नया एक्टर होता है, वो चाहता है कि उसे काम मिले और काम मिलने के लिए जो वो कर सकता है वो करता है। लोग उसे चीट करते हैं, फिर भी वो विश्वास करके उन्हें पैसे देता है, उन पे फेथ करता है कि वो उनको काम दिलाएंगे। इस नाम पे कि भैया हमें कास्टिंग डायरेक्टर को खिलाना होता है तो हमें, हमारा ये खर्चा है, हमारा वो खर्चा है, तो इसमें ये खर्चा लगेगा, तो इसलिए आप मुझे इतने पैसे दीजिए, हम आपको काम दिलाएंगे। और वो बंदा आपको बकायदा अपने साथ प्रोडक्शन हाउस ले जाके ऑडिशंस भी दिलवाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। अब ये है कि पहचानना आपको है कि वो जो व्यक्ति है वो वाकई में जेन्यून है या नहीं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ और मैंने अपने पहले के एक वीडियो में कहा भी है कि क्या आपसे काम दिलाने के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं। तो उस बंदे का वीडियो आज मेरे पास आया और इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें जो आपको काम दिलाने के नाम पे आपसे पैसे मांगते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि ऐसे लोगों को 1 रुपया भी ना दें। अगर कोई आपसे काम दिलाने के नाम पे 1 रुपया भी मांगता है तो उसे 1 रुपया भी ना दें, क्योंकि आप यहाँ पे काम करने आए हैं और काम करके पैसे कमाने आए हैं, पैसे देने नहीं। क्योंकि आज तक पैसे देकर किसी को भी काम नहीं मिलता। इस बात को आप गांठ बांध लें कि पैसे देकर आज तक किसी को भी काम नहीं मिलता है। वो चीटर लोग होते हैं जो आपसे पहले पैसे मांगते हैं कि आप मुझे पैसे दीजिए और मैं आपको फलां फलां शो में या फलां फिल्म में या फलां ऐड में काम दिला दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप काम करने आए हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप जाइए, हर प्रोडक्शन हाउस में जाइए, जो बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनसे जाके मिलिए और उनको जाके अपने ऑडिशंस दीजिए, अपना इंट्रो दीजिए उन्हें, और फिर वो आपको आपके इंट्रोडक्शन के हिसाब से, आपके टैलेंट के हिसाब से, आपके लुक के हिसाब से आपको काम के लिए बुलाएंगे। पैसे भूल के भी किसी को मत दीजिए, क्योंकि पैसे बड़े मेहनत से कमाए जाते हैं। आपके माँ बाप जो चाहते हैं कि आप एक्टर बने, वो आपको सपोर्ट करते हैं यहाँ तक पहुँचने में, और वो लोग आपको सपोर्ट करते आपके रहने खाने का खर्चा, आपके एक्टिंग क्लासेस का खर्चा, ये सारी चीज़ें वो उठाते हैं जो आपके माँ बाप हैं। तो वो बड़ी मेहनत से 1-1 रुपये आपके ऊपर खर्च करते हैं और आप उस पैसे को ऐसे मत गवाइए। आप भूल के भी
किसी को भी 1 रुपया ना दें और ऐसे चीटर्स लोग से दूर ही रहें। आप अगर कभी किसी से मिलने जाते हैं, आपको पता चलता है कि सामने वाला आपसे पैसे मांग रहा है, तो आप उस व्यक्ति से दूर हो जाइए, क्योंकि वो आपको काम नहीं दिलाएगा, वो आपके पैसे लेके चंपत हो जाएगा। यही सच्चाई है। तो दोस्तों, ऐसे लोग से बिल्कुल दूर रहिए, उनके करीब भी मत जाइए। अगर कोई पैसे मांगता है तो आप उससे दूर हट जाइए। आप सामने वाले को 1 पैसा भी ना दें, और आप जाइए प्रोडक्शन हाउस में जाकर आप वहाँ पे ऑडिशन दीजिए, और डेफिनेटली आपको काम मिलेगा अगर आप में टैलेंट है तो। आज का वीडियो इसी बात पे था, क्योंकि वो वीडियो आज मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि इस बारे में आप लोग से बात की जाए। बाकी आप लोग के पास मेरे नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स पे मिलते रहेंगे इस चैनल पे। आपको जो शूटिंग ब्लॉग्स हैं वो, और एक्टिंग टिप्स और कास्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अपने सवाल, आप कुछ जानना चाहते हैं एक्टिंग फील्ड के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, तो आप अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे भेजिए, मुझसे पूछिए। मैं डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब दूंगा। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।